हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 जो कि डिटरमिनेंट की है। राइट, क्या करना है? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन क्वेश्चन 1 to 7 प्रूव दैट। ये प्रूव करना है, इन्होंने क्या बोल दिया है कि प्रॉपर्टी के हेल्प से करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। और विदाउट एक्सपेंडिंग का कंडीशन कब होता है भाई कि हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो एक्सपेंड करेंगे कब? एटलीस्ट अगर हम C1 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट जीरो होना चाहिए या सेकेंड थर्ड एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक ना? कंटिन्यूसली सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट जीरो हो, चाहे वो रो का हो चाहे कॉलम का, तभी हम एक्सपेंड करेंगे। ये कंडीशन होगी कब? विदाउट एक्सपेंडिंग की। बात समझ गए? तो चलिए, पहले तो हमें प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। ओके, प्रॉपर्टीज के लिए मैंने लेक्चर नंबर 2 आपको दिया हुआ है, इसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप वहां से उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक, जिससे हर एक प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ अब देखिए हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अगर ये थर्ड कॉलम को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें, ठीक ना, चेंजिंग दिस डिटरमिनेंट इन 2 पार्ट्स, ओके, एक्सप्लिटिंग दिस डिटरमिनेंट इन 2 पार्ट्स, वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू, अगर हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, और एक बार एक्स लिखा, यहाँ वाई लिखा, यहाँ जेड लिखा, प्लस हम 2 पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने डिटरमिनेंट में पढ़ी है ना भाई, बहुत अच्छे से पढ़ी है। यहाँ क्या आएगा? ए बी और सी। ऑलराइट, हमने इसको 2 पार्ट में अलग अलग चेंज कर लिया, स्प्लिट कर दिया। अब देखिए, अगर हम कहें ये है डेल्टा 1, ये कहें डेल्टा 2, तो हेयर डेल्टा 1 यानी मैट्रिक डिटरमिनेंट 1 एंड डिटरमिनेंट 2 इज आइडेंटिकल। देख लीजिए क्या आइडेंटिकल है, यहाँ पे C1 और C3 क्या इक्वल है और यहाँ C2 और C3 इक्वल है। तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 एंड डिटरमिनेंट 1 एंड डिटरमिनेंट 2 इज आइडेंटिकल, यहाँ R लिखेंगे, R आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0, हेंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 दैट इज 0, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक, हमें यही तो करना था। ओके, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है ना, आइडेंटिकल जब होंगे तो वो 0 होंगे। ओके ना, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।